बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज की वीडियो में जो है हम आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग स्पीड। आप लोगों ने अपनी हैंड राइटिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव करनी है, और मेरे बेसिकली जो टिप्स होंगे वो एग्जाम्स के हवाले से होंगे, मीन्स टू से ड्यूरिंग एग्जाम पेपर अटैम्प्ट करते हुए, क्योंकि आपका पेपर का टाइमिंग जो है अगर वो 3 आवर्स है या 2 आवर्स है या 2.5 आवर्स है, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने हैंड राइटिंग स्पीड उस दौरान इम्प्रूव करनी है कि आपका पेपर जो है ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड भी ज़बरदस्त रहे और आपके पेपर में नीटनेस भी बरकरार रहे। तो इसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त से टिप्स बताने लगी हूँ, और ये आपकी इंशाल्लाह हैंड राइटिंग स्पीड जो है बहुत फास्ट करेगा। मैं टॉपिक वाइज बताऊंगी सो डैट आप इजीली से समझ सकें। अगर आप एक जगह पॉइंट लिखना भी चाहते हैं तो लिख लें, सो डैट आपको ये पॉइंट्स और ये बातें याद हों और आप जो है एग्जाम्स में इसे अप्लाई कर सको और आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो ज़बरदस्त रहे। सबसे पहला पॉइंट है सिटिंग पोजिशन। सिटिंग पोजिशन से मुराद ये है कि आप लोग की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कुछ भी लिख रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग असाइनमेंट बना रहे हो, हैंड राइटिंग स्पीड ज़बरदस्त कैसे होगी, अगर पहला पॉइंट उसमें अगर आप इस पे फोकस करो कि आपकी सिटिंग पोजीशन कैसी है। मीन्स टू से आपने इस तरह से बैठना है कि आप टोटली रिलैक्स हो, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठो, ठीक है। अपने आप को अगर आप रिलैक्स पोजीशन में बिठाओगे तो आप जो है वो जल्दी लिखते लिखते थक जाओगे, हो सकता है आपको नींद आने लग जाए। तो आप लोगों ने अपने आप को एक्टिव वो इस तरीके से बिठा के रखना है कि आप लोग जो है वो इजीली लिख सको। मीन्स टू से आपकी सिटिंग पोजीशन बेस्ट होनी चाहिए, एक स्ट्रेट बैठो और दूसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में बैठो, टेढ़ा मेरा मत बैठो, सीधा बैठो और पोजीशन करेक्ट रखो, सो डैट अगर आप बिल्कुल ठीक तरीके से बैठे हुए हो उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो, आपकी जो है वो स्पीड जो है वो ठीक रहेगी। अगर आप पोजीशन ही नहीं आपकी बैठने की ठीक, आपकी राइटिंग स्पीड जो है अच्छी है या बुरी है वो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर आपका बैठने का स्टाइल ही नहीं ठीक तो आप जो है वो जल्दी या फास्ट तरीके से नहीं लिख सकोगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पेज की डायरेक्शन। मीन्स उसे आपने जो पेपर जिस पे फिल करना है, कोई शीट जो है आपके पास, वो आपने किस डायरेक्शन में पकड़नी है कि आप जो है वो फास्टली लिख सको, ठीक है। अगर आप जो है आपकी सिटिंग पोजीशन भी एक करेक्ट है उसके बाद आपने पेज की डायरेक्शन अच्छे तरीके से नहीं पकड़ी तो आप जो है वो जल्दी थक जाओगे और आप जो है स्लोली लिख पाओगे, आपसे फास्टली नहीं लिखा जाएगा। तो आपने उसके पे पेज की डायरेक्शन सेट कर लेनी है, आपने पहले ठीक तरीके से स्ट्रेट बैठ जाना और उसके बाद पेज की डायरेक्शन इस तरीके से सेट करनी है जिससे आपको लिखते हुए आसानी हो। अच्छा, कुछ बच्चे जो है बिल्कुल सीधा पेज रख के, देखो सीधा पेज रख के लिखते हैं जिससे हाथ थक जाता है या बैठे हुए जो है प्रॉब्लम होती है और आप जो है वो फास्टली नहीं लिख पाते और थक जाते हो। आपने जो है पेज का डायरेक्शन थोड़ा सा तिरछा रख के, मीन्स टू से मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इस तरीके से तिरछा रख के और फिर लिखती हूँ, ठीक है। इससे मैं रिलैक्स फील करती हूँ और जितनी देर तक लिखना हो मैं इजीली लिख पाती हूँ। अगर हम स्ट्रेट रख के लिखें तो फिर हमारे लिए लिखना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं लिख पाते, दूसरा हमारी स्पीड पे भी जो है फ़र्क पड़ता है। तो आपने जो है पेपर की पोजिशन अच्छे तरीके से सेट करनी है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो इस तरीके से पेपर सेट करो कि आप जो है वो बहुत रिलैक्स हो उस टाइम और इजीली लिख पाओ, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें सेट हो जाए उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है चूज अ पेन। आपने पेन कौन सा चूज़ करना है। बच्चे क्या करते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में या एक दो दिन पेपर में रह जाते हैं तो वो न्यू ज्योमेट्री बॉक्स परचेस करते हैं कि हमने ज्योमेट्री बॉक्स नया बनाना है, मार्कर्स ले लिया, उसके बाद इंक पेन भी न्यू ले लेते हैं। इससे ये होता है कि अगर आपने उसे पहले से यूज़ नहीं किया हुआ तो उससे आपकी स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मीन्स उससे जब भी कोई एक नई चीज़ यूज़ करने बैठो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, राइटिंग ज़रा स्लो हो जाती है और आप जल्दी नहीं लिख पाते क्योंकि वो आपके लिए न्यू पेन होता है, उस पर आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो आपने पहला जो है वो पॉइंट ये है चूजिंग का पेन, आपने वो पेन लेना है, पहली बात वो पेन लेना है जो आपके पास ऑलरेडी हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, आप उससे काफ़ी अर्सा उसे यूज़ कर चुके हों तो आपकी उस पर ग्रिप अच्छी होगी, आप जो है वो अच्छे तरीके से स्पीड से लिख पाओगे। हाँ जी, अगर ऐसा इशू है कि आपके पास पेन ही नहीं है, आप जो है न्यू इंक पेन लेना चाह रहे हो या पिछले में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप जो है वो जो न्यू पेन लो
तो इस तरह से लो, जिसे आप उससे एक दो दिन पहले यूज़ कर चुके हो और आपके उस पर ग्रिप हो, आपको उससे होल्ड करना आता हो और उसकी जो है वो इंक जो है आपने पहले से फिल करके रखी हो, न्यू इंक जो है फिल करके, एग्जाम्स में मत जाओ, पहले उसे फिल करके उसे थोड़ा सा यूज़ करके देखो। और कोशिश करो पेन वो सिलेक्ट करो जो लाइट वेट हो, हैवी ना हो और आपकी जो है उस पर ग्रिप अच्छी हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे सॉरी फोर्थ पॉइंट है होल्डिंग अ पेन। पेन को होल्ड कैसे करना है ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, होल्ड कैसे करना है ये देखो, मैं आपको एक इंक पेन जो है इसकी एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास इंक पेन है, आपने इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि आप जो है आपके हैंड्स उस पर रिलैक्स रहे। ये देखो सबसे पहले जो है पेन की लीड उतार के रख दो, हमने उसको पीछे नहीं लगाना क्योंकि जब हम पीछे लगा के लिखेंगे ओवर वेट हो जाएगा। वैसे तो वेट आपको फील नहीं होगा लेकिन लिखते लिखते जो है इस पर फर्क पड़ेगा। आपने उसको उतार के साइड पे रख देना है, जब आपने पेन से लिखना स्टार्ट करना है ना आपने उसको बिल्कुल आगे से पकड़ना है। ज़्यादा आगे उसे पकड़ने से ग्रिप हमारी स्ट्रांग होती है और हमारे हाथ जो है वो जल्दी थकते हैं, हाथ थकने से स्पीड पर फर्क पड़ता है ना। आपने बिल्कुल पीछे से पकड़ना है, ज़्यादा जो है स्पेस नहीं देनी, ज़्यादा गैप के साथ नहीं पकड़ना, से भी जो है स्पीड पे फर्क पड़ता है। आपने नॉर्मली यानी कि ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, नॉर्मली इस तरह से होल्ड करना है और बिल्कुल ग्रिप इस तरह से स्ट्रॉन्गली नहीं पकड़ना, ना बहुत लाइट पकड़ना, नॉर्मल सा पकड़ना है कि इजीली लिखा जाए, ठीक है। ये बातें जो है इससे जो है वो हाथ जो है वो थकने के चांसेस होते हैं और जिससे हमारी राइटिंग स्पीड खुद बखुद जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। और होल्डिंग अ पेन की आपको पता लग गया। अच्छा जी, इसके बाद एक और बात इस होल्डिंग का पेन में आती है कि जब आप जो है पेपर फिल कर रहे हो, आप कोशिश करो आप जो है अगर मार्कर या जो भी सिंपल ब्लू मार्कर या जो भी यूज़ कर रहे हो उनको एट अ टाइम होल्ड करके रखो, उनकी कैप लूज रखो, ठीक है। ऐसे मैं तो ऐसे पकड़ के जो है वो यूज़ करती हूँ, पहले 605 से मेन हेडिंग्स दे दी, उसका काम ख़त्म हो गया, उसको अंदर रख दिया ज्वेलरी बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा काम है सिंपल 604 कट मार्कर का और इंक पेन का, या अगर आप ब्लू मार्कर सिंपल यूज़ करते हो उसका और इंक पेन का, दोनों का एट अ टाइम होल्ड करो, इनकी कैप लूज़ करो और जब आपने इंक ये यूज़ करना हो फटाफट इसको निकाला, लिखा और इसे ऐसे कर दिया, ज़ोर से नहीं बंद करना, और इसे यूज़ किया और फिर इसको इस तरह से रख दिया। मैं एट अ टाइम होल्ड करती हूँ, बार बार जो है हम ज्योमेट्री बॉक्स से निकालें लिखें, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी स्पीड पर फ़र्क पड़ता है, जिससे हमें लगता है हमारी स्पीड स्लो है लेकिन इन चीज़ों से जो है वो हमारा टाइम वेस्ट होता है और पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होल्डिंग का पेन पे हमने डिस्कस कर लिया कि पेन आपने जो है कैसे होल्ड करना है और जो है वो किस तरीके से ग्रिप रखनी है उस पर। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाता है राइटिंग का पैसेज एंड ऑब्जर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डिटेल में आपको मैं बताऊंगी क्योंकि यही जो है मेन टिप है इस वीडियो का, कि आपने क्या करना है, आपने एक पैसेज राइट करना है। आपकी जैसे भी राइटिंग है ना आपने उसको 100% अच्छा दे के आपने एक पैसेज राइट करना है। पैसेज राइट करके आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है और फिर ऑब्जर्व करके मैं आपको बताती हूँ क्या ऑब्जर्वेशन करनी है और फिर उसमें जो है वो आपने क्या क्या मिस्टेक ढूंढनी है और उसको करेक्शन करनी है। सबसे पहले देखें आपकी राइटिंग, अपनी राइटिंग आपने पैसेज लिख लिया, इसके बाद अपनी राइटिंग ऑब्जर्व करो, आपकी राइटिंग किस तरह की है, स्ट्रेट है या कर्सिव है, ठीक है। दो तरह की राइटिंग हो सकती है, या बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हो या कर्सिव लिखते हो, कर्सिव में भी जॉइनिंग भी हो सकती है और मिक्सअप भी हो सकता है कि जॉइन कुछ लेटर्स जॉइन में हो कुछ सिंपल हो। तो स्ट्रेट और कर्सिव पहले ये ऑब्जर्व करो आपकी राइटिंग कौन सी है। अगर आपकी राइटिंग स्ट्रेट है तो आपके ऑल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्ट्रेट राइटिंग करते हैं, मतलब एक वर्ड लिखा है, जैसे मैंने एक वर्ड बताया पेन, PEN पेन, कुछ बच्चे जो है पी को स्ट्रेट कर देंगे, ई को तिरछा कर देंगे, एन को तिरछा कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, मीन्स टू से उनके वर्ड्स में लेटर्स जो है वो कुछ स्ट्रेट होते हैं और कुछ कर्सिव से होते हैं, टोटली कर्सिव नहीं होते, लिटल स्लंटी होते हैं, लेकिन ये कि ये गड़बड़ करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो राइटिंग की लुक ओवरऑल गंदी आती है, कुछ स्ट्रेट और कुछ तिरछापन, ठीक है, और दूसरा इसकी राइटिंग स्पीड पे जो है ये बहुत बैड इफेक्ट डालता है। कहीं पे आप सीधा लिख रहे हैं, कहीं पे आप तिरछा लिख रहे हैं, तो हाथों की बार बार डिफरेंट मूवमेंट पे जो है राइटिंग स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, आपकी राइटिंग जो है वो स्लो हो जाती है। तो आपने ऑब्जर्व करना है, अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा स्ट्रेट है तो आप उसे टोटली स्ट्रेट लेके जाओ, अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा तिरछी है कर्सिव है तो आप उसे टोटली कर्सिव लेके जाओ, ये ना करो कुछ लेटर कर्सिव है कुछ स्ट्रेट है, मीन्स उसे आपकी एक ही जो है वो उसकी लुक होनी चाहिए, या स्ट्रेट कर लो या आप लोग कर्सिव कर लो, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्व करें आपकी जॉइनिंग राइटिंग जो है वो जॉइनिंग है या नहीं है, ठीक है।
अगर आप ज्वाइनिंग राइटिंग में लिख रहे हो तो कोशिश करो एक वर्ड जब आप लिखते हो ना तो वो टोटली ज्वाइनिंग में हो, ठीक है। पैसेज लिखते हो उसमें सारे वर्ड्स ज्वाइनिंग में हो, मीन्स से वही बात आ गई कि आपकी राइटिंग टोटली फिर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 लेटर ज्वाइन करके लिखे, 2 सेपरेट लिख दिए, 2 लेटर सेपरेट लिखे हैं, फिर आगे सारे लेटर्स ज्वाइनिंग में लिख दिए। ये जो है बातें राइटिंग की स्पीड पे जो है फैक्ट डालती हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। अगर आपकी टोटल राइटिंग ज्वाइनिंग है तो उसे टोटल ज्वाइनिंग में ही लेके जाओ, कुछ भी वर्ड जो है वो आप लोग जो है वो इस तरह ना करो कि वो ज्वाइनिंग में ना हो, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग ज्वाइनिंग है तो वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे जो है वो ज्वाइनिंग राइटिंग सीख लेते हैं, ज्वाइनिंग लिखते हैं, लेकिन ये कि उनका लिखा हुआ समझ नहीं आता, ठीक है। लेटर जो है लिखा हुआ ज्वाइनिंग में है पर उसकी एकदम से समझ नहीं आती, तो ये बातें कंफ्यूज करती हैं एग्जामिनर को, तो ये रॉन्ग हो जाती हैं। तो आपने ज्वाइनिंग में लिखना है तो वो क्लियर होना चाहिए और टोटली राइटिंग ज्वाइनिंग में होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पॉइंट आपने जो नोट करना है, स्पेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स, लेटर्स और वर्ड्स के बिटवीन स्पेस सेम दो, ठीक है। ये नहीं करना कि एक लेटर में डिस्टेंस ज़्यादा है और एक लेटर में डिस्टेंस कम है, तो नॉर्मल डिस्टेंस रखो, ना ज़्यादा उनको कंजस्ट करके लिखो, ना ज़्यादा आप लोग जो है गैप दो, नॉर्मल जो है जैसे मैं आप राइटिंग लिख के दिखाती हूँ उस तरीके से हो, ना स्पेस ज़्यादा हो ना स्पेस कम हो, तो सेम स्पेस दे के चलो। स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स शुड बी सेम, ठीक है। साइज ऑफ लेटर नेक्स्ट आपने नोट करना है, लेटर्स का साइज क्या है, जो नॉर्मल लेटर का साइज हो वही होना चाहिए, ना आप ज़्यादा उसे लेंथी लिखो ना ज़्यादा उसको शॉर्ट करो, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट लेटर्स होते हैं, रूट्स लेटर भी होते हैं, ठीक है, तो ग्रॉस लेटर्स भी होते हैं, तो आप इसमें जो है वो उसकी साइज का ध्यान रखो। अगर आपको साइज में उसके प्रॉब्लम आती है तो आप 4 लाइंस वाली इंग्लिश की कॉपी पे उस पर लिख के प्रैक्टिस करो, जिसे आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक लेटर की लेंथ जो है ग्रास हो या रूट लेटर हो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इन चीज़ों को एक पैसेज लिख के जब इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो, अपनी राइटिंग को ऑब्जर्व कर लो कि भाई मेरे में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तो उसके बाद उसको करेक्शन में लेके जाओ, ठीक है। आप अच्छे दोबारा ये चीज़ें नोट करके एक पैसेज लिखो, राइटिंग अगर स्ट्रेट है तो टोटली स्ट्रेट में एक पैसेज लिखो, और हर वर्ड हर लेटर के जो है स्पेस और उसका ध्यान रखो। अच्छा, स्पेस से मुराद मेरी ये है, ये देखो, अगर ये मैं आपको एक राइटिंग शो कर रही हूँ, ये देखो बिटवीन वर्ड्स जो है स्पेस इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कम होगी तो कंजस्टेड हो जाएगा, तंग सा लिखा हुआ आएगा और अच्छा नहीं लगेगा, और अगर जो है स्पेस ज़्यादा दोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा बहुत खुला खुला लिखा आपने, तो आपकी स्पेस नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अगर ये चीज़ें जो है सारी आपकी बेहतर होंगी ना, आपकी राइटिंग स्पीड खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी, अगर आपकी हर चीज़ में जो है वो पैटर्न होगा। रैंडमली आप लिखोगे तो फिर आपकी राइटिंग स्पीड जो है बहुत पुअर जाएगी, और आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने ज़्यादा जल्दी लिख दिया इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, या बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इससे मेरी राइटिंग स्पीड स्लो हो रही है। तो मेन इनके यही रीजंस हैं कि आपका ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया कि पैसेज लिख के ऑब्जर्वेशन करो, ये ऑब्जर्वेशन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी किन किन चीज़ों में करेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके बाद 6th पॉइंट है राइटिंग स्पीड का, अगर आप राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सब बातें जब आप अच्छे तरीके से कर लो फॉलो, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आपकी राइटिंग स्पीड कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। अगर आप बगैर प्रैक्टिस किए कहो कि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाए, ये बातें सुन के आप दिमाग में बिठा लोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। आपने क्या करना है, आप लोगों का जो है पेपर्स हैं आसपास, ठीक है, आप लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या जो भी याद करते हो उसको ज़ुबानी लिख लो, जो आपको पता है मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लो उनको ज़ुबानी लिखो। एक तो ये है कि वो ज़ुबानी लिखने से और ग्रिप हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा याद किया है या कहाँ पे कमी बेशी है, कहाँ पे आपको भूलता है, और दूसरा ये कि लिखने से आपकी राइटिंग स्पीड भी जो है वो अच्छी होती जाएगी, आप लिखते जाओगे आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी लर्न टॉपिक्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो, उसको ज़ुबानी लिखो। 7th, सेट द टाइमर, आप लोग जो है वो मोबाइल या जो भी टाइम वॉच है कहीं पे भी टाइम सेट कर लो, जैसा कि आप 1.5 आवर का टाइम सेट कर लिया, जैसे वॉच सिंपली वॉच पे आप देखो कि अभी 4:30 हुए हैं, 4:30 से फटाफट लिखना शुरू करो एक टॉपिक, और आपने इसे 5 PM तक
एंड करना है। अपने आप को टाइम दो कि मेरा ये टाइम है, फिक्स टाइम है, मैंने इसके अंदर अंदर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है, या ये चीज़ कंप्लीट करनी है, या ये दो पेजेस मैंने दो इस आधे घंटे के अंदर अंदर लिखने हैं। जब आपको टाइम लिमिट दी जाएगी ना, आप खुद अपने लिए टाइम सेट करोगे, आपको खुद आइडिया होता जाएगा और आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। आप जल्दी जल्दी लिखना कोशिश करोगे, लेकिन यह कि जल्दी लिखते लिखते गंद ना मचाएं, आपने नीट ही लिखना है, अच्छे तरीके से ही लिखना है, पर स्पीड इंप्रूव करनी है। तो अपने आपको टाइम दो, अपने आपको टाइमर सेट करके दो कि मेरे पास ये टाइम है, या आपने किसी बहन भाई को कह दो कि मैं इतने टाइम में लिखूंगा, मुझे मेरा यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया, जैसे मेरा टाइम ओवर है मुझे बताएं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन या अपने कजन्स या क्लास फेलोज, जब आप ग्रुप स्टडी वगैरह करते हो, तो इसमें एक ये भी रखो टॉपिक कि टाइमर सेट करो, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने याद किया है, और उसे उस आधे घंटे में या 15 मिनट में आपने टाइमर दो कि इसके अंदर अंदर हमने कंप्लीट करना है। तो फिर इस तरह कॉम्पिटिशन करो, चैलेंजेस करो, चैलेंजेस में भी बच्चे जो है एक दूसरे को जो है वो जल्दी से विन करके दिखाते हैं, और इस तरह से राइटिंग स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप इसे आजमाइएगा, जब आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करोगे ना, तो आपकी राइटिंग स्पीड बहुत इंप्रूव होगी, ठीक है। तो पर्स अगर आप जो है वो खुद बुक करना चाहते हो, फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहीं करना चाहते, कंपटीशन घर बैठ के टाइम सेट करो वॉच पे कि ये टाइम स्टार्ट हो गया, मैंने लिखना। मैं तो इसी तरह से करती थी, मैं जब भी एग्जाम्स मेरे होने वाले होते थे, तो फॉर एग्जांपल मेरा पेपर है ना फिजिक्स का, तो मैं उसे अपनी सिस्टर से कहती थी कि मेरा पेपर बनाओ, उसे मैं टॉपिक बता देती थी कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से मेरा एक पेपर बनाओ, मेरा पेपर बनाती थी। और फिर मैं क्या करती थी, अपने लिए खुद टाइम फिक्स करती थी कि जी मैंने 4 से लेके मैंने 7 बजे के अंदर अंदर ये पेपर कंप्लीट करना है, या जो भी टाइम सेट करना होता है, जितने आपको पेपर बोर्ड में जो है वो आवर्स दिए जाते हैं, फिर मैं वो टाइम फिक्स कर लेती थी, फिर उसके अंदर खुद मैं पेपर करती थी सोल्व। इससे क्या होता है, एक तो ये कि आपकी ज़रा झिझक उतर जाती है एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट पेपर देने से पहले, और दूसरा ये कि आपको पता लग जाता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर हुई है कि नहीं हुई, और आप इस टाइम लिमिट के अंदर पेपर कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। तो इस तरह से मैं करती थी, हर सब्जेक्ट का जो है पेपर 3 घंटे के अंदर खुद घर बैठे सोल्व करती थी, और पेपर खुद भी आप सेट कर सकते हो, या आपने बहन भाई से कह दो कि आपका पेपर बना दे, ठीक है। खुद सेट करने से ये नुकसान होता है कि आप जो है वो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं आप वही सिलेक्ट करोगे, किसी और को कहोगे तो वो जो है वो फिर अपने हिसाब से सेट करेगा। अच्छा जी, इसके बाद 8th पॉइंट है एक्सरसाइज डेली प्लस एक्सरसाइज योर हैंड्स, ठीक है। डेली रूटीन पे एक्सरसाइज करो, रोज़ के 2 और 3 पेजेस आपने अपना टाइम फिक्स करो कि मैंने रोज़ इस टाइम जो है प्रैक्टिस करनी है, या याद किए हुए टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लो, या बुक सामने रखो और पूरा पेज 2 या 3 पेजेस रोज़ जुबानी देख के लिख लो चाहे, और टाइम सेट रखो कि मैंने अब टारगेट बनाओ अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपकी जितनी भी राइटिंग स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक पेज जो है ईजीली 15 मिनट के अंदर लिख सकते हो, तो अपने आप को 10 मिनट्स दो कि मैंने 10 मिनट्स के अंदर ये पेज लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको डेली 15 या 20 या 30 मिनट्स जो है वो राइटिंग स्पीड के लिए निकालो, लिखो ज़ुबानी लिखो, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपने याद नहीं किया या याद किया हुआ उसको चाहे देख के लिख लो, देख के लिखने से भी ये फ़ायदा होगा आपका, और याद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ग्रिप अच्छी हो जाएगी, प्लस आपकी स्पीड भी बेहतर होती जाएगी। प्लस हैंड्स की एक्सरसाइज करो, ठीक है। अपने हैंड्स को इस तरह से मूवमेंट दिया करो, फॉर एग्जांपल लिखते लिखते आपका हाथ थक गया तो लिखे ही ना जाओ, अगर बहुत थक गया तो छोड़ दो थोड़ी देर, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे हो तो कोई मसला नहीं है, 2 मिनट थोड़े से रिलैक्सेशन दो अपने हैंड को, इस तरह से एक्सरसाइज करो, मूवमेंट करो ऐसे जिससे आपको ईजिली फील हो, जैसे ही आपका हाथ थोड़ा सा बेहतर हो, इस तरह से अपने हाथ को आप दबा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि थक जाते हैं कोई मसला नहीं है बच्चों के, मुसलसल 2 घंटे 3 घंटे लिखना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपके हाथ थक जाते हैं और या आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो रही है, हाथ नहीं थकते लेकिन आपको लगता है आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो स्लो जा रही है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा दबाओ, फिर लिखना स्टार्ट करो, फिर इंशाल्लाह देखना आपकी फिर स्पीड जो है बेहतर हो जाएगी। और लास्ट बात जो मैं बताऊंगी कि बच्चों की मेन रीज़न क्या है, बच्चे कहते हैं हमारी राइटिंग स्पीड बहुत पुअर है, हम पेपर जो है विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका सबसे मेन रीज़न जो मैं आपको बताऊं वो काफ़ी बच्चों का यही है, यकीनन आप में से भी जो बच्चे देख रहे हैं उनका रीज़न ज़्यादातर यही होगा कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है आप जो है बहुत रिलैक्स होते हो, रिलैक्स इस हवाले से ना, ये आपको आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमने अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है,
पेपर प्यारा सा सॉल्व करना है, इस चक्कर में आप जो है बहुत स्लोली स्लोली अच्छे तरीके से लिखते हो, आपकी राइटिंग स्पीड जो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है ना वही चल रही होती है या उससे भी आप स्लो लेके चल रहे होते हो कि हमारा जो पेपर है उसकी फर्स्ट लुक अच्छी आए। तो इस चक्कर में जो है पेपर तो स्टार्टिंग में अच्छा हो जाता है, एग्जामिनर्स पे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, लेकिन एंड में जाके जो है डबल जो है आप लोग जो है उसका खसारा कर बैठते हो। जबर जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश में टाइम जो है कम रह जाता है, जल्दी जल्दी लिखते हो तो आपका लिखा हुआ भी गंदा हो जाता है और प्रेजेंटेशन जो जितनी अच्छी स्टार्ट में दी होती है उतनी ही बुरी एंड में आ रही होती है। तो राइटिंग स्पीड नॉर्मली से थोड़ा सा हाई स्पीड लेके चलो स्टार्ट में ही, ठीक है। जितना आप हाईली अच्छे तरीके से हाईली स्पीड में लिख सकते हो उतना लिखो, ये नहीं कि आप स्लोली लेके चलो, ठीक है। मैं हमेशा से जो है पेपर मिलते ही मैं फ़ौरन ही एक्टिवेट हो जाती थी, ये नहीं कि मैंने स्लोली चलना है, जल्दी जल्दी से मैं पेपर स्टार्ट करती थी और जल्दी से मेन हेडिंग्स दी, शॉर्ट क्वेश्चन दिए और हेडिंग्स दी, लिखना शुरू कर दिया और स्पीडली, ठीक है, स्लो स्पीडली। मुझे पता होता है कि मेरा पेपर जो है लेंथी है तो मैंने इसे टाइम पर कम्प्लीट करना, हर लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ भी अच्छी देनी है, एक्स्ट्रा भी अगर मैंने एक दो अटैम्प्ट करने हैं तो मुझे स्पीड हाई लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं अच्छी स्पीड के साथ जो है पेपर स्टार्ट करती थी और एंड तक मेरी स्पीड उसी स्पीड के साथ मेरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। तो आप लोग भी इस टिप्स को फॉलो करो, राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करने का मेन और सबसे अच्छा टिप यही है, आप डेली 2 से 3 पेजेस जो है बुक के जुबानी या देख के या जो भी आप जुबानी करना है देख के करना है आपकी अपनी ऑप्शन है, टाइमर सेट करके डेली 30 या 20 मिनट्स निकाल के लिखो, जितना आप लिखोगे उतनी स्पीड अच्छी होगी। और लिखते हुए एक ही पेन सेलेक्ट करो, हर बार डिफरेंट ना लो, एक ही पेन चूज करो, इंक पेन जो आपकी जिस पे ग्रिप अच्छी है या अगर आपने न्यू परचेस करना है तो जल्दी से ले लो और उस पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग करो, उसी से लिखो लिखो लिखते जाओ, रोज़ लिखो, रोज़ 20 मिनट्स उस पेन से लिखो, इंशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी, लुक भी अच्छी आएगी और दूसरा आपकी स्पीड भी ग्रो करेगी। पर इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना जो मैंने आपको बताए थे। वीडियो कैसे लगी ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जो है अपनी जो है वो राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सिग्नेचर स्टाइल्स विद नूर, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर ऑल क्लासेस, ये सॉल्ट पेपर विद नूर और अजान एंड नूर चैनल, ठीक है। तो बाकी जो है टिकटॉक, इंस्टाग्राम और लाइकी पे भी फॉलो कीजिएगा और जो है स्नैक वीडियो का भी है और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया हुआ है, सो डैट स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें और अपनी डिस्कशन प्रेजेंटेशन के हवाले से कर सकें। और जो है फेसबुक पे भी पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं, उनको भी ज्वाइन कीजिएगा। तमाम सोशल लिंक्स जो है मैंने इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।